आपके बड़े चाचा मंगरू यादव जी की पुत्र घर की पुत्रवधु है गुंजन यादव, इनका हाल इन नौकरी दीजिएगा आप। आप कहाँ से और ये दावा तो आपका फेल कर गया ना, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, जनता ने आपको चार कंधे पर पहुंचा दिया। और अभी तो एकदम मैंने राष्ट्रीय जनता दल के कोई विधायक श्राद्ध का भोज खाने नहीं जा रहे। ये हो सकता है कि अभी कोई बाबा उबा से मिलने, जी राहुल गांधी जिनसे दिखाए ना, लगता है उन्हीं से दिखवा लिए ही थी, सरकार गिर जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, क्यों किया है कि उन्होंने कहा है कि 17 महीना में हमने 5 लाख नौकरियां दी है, उसी को देखते हुए नीतीश सरकार फिर से नौकरी दे रही है। तो 10 लाख तक करे थे, चैन से नहीं रहने देंगे, हम तो 11 लाख से ऊपर चल गए। आज जमीनों नहीं लिए, गुंजन यादव वाला जमीन मन लौटाइए। तेजस्वी यादव जी, आपके बड़े चाचा मंगरू यादव जी की पुत्र घर की पुत्रवधु है गुंजन यादव, जो माननीय नीतीश कुमार जी, सॉरी गुंजन यादव उनके घर की पुत्रवधु है, उसको कार्यालय सहायक में माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में नौकरी लगी, एक कट्ठा जमीन नहीं लिखना पड़ा, और उसी गुंजन यादव के परिवार के दो पुरुष की नौकरी लगी, बेदर्द लालू जी ने जमीन लिखवा लिया। लेकिन नौकरी आप दे रहे हैं, अरे नौकरी तो देने का मेरा यूएसपी रहा है, और जिस नौकरी का आप दावा कर रहे थे वह नौकरी भी शिक्षा विभाग ने दिया, जिसकी शुरुआत तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी ने किया। आपके शिक्षा मंत्री तो रामायण में पोटासियम साइनाइड खोजते रह गए बेचारे, ऑफिसों गेवे नहीं के पाठक के डरे, इनका हाल इन नौकरी दीजिएगा आप कहाँ से और ये दावा तो आपका फेल कर गया ना, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, जनता ने आपको चार कंधे पर पहुंचा दिया, और तब पर भी आपको एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन दावा कर रहा है कि 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री हम होंगे। अच्छा नहीं दावा करेंगे तो शराब कंपनी से पैसा कैसे लिए? अरे बुड़बक रहता है तन होशियार के दुकान चलता है, तो शराब कंपनी कलकत्ता का, बिहार में शराबबंदी लागू है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा ले लिए, तो यही न कहे होंगे कि हम जीतेंगे तो उपाय कर देंगे। अब जो जानकारी हमको मिली है, कलकत्ता ही गए थे, तो हो सकता है उसको फिर जाके मिले होंगे, कहोगे धैर्य नहीं खोना है, 2025 तक पूंजी लगाते रहिए, 25 में हम आ जाएंगे। अरे न भूतो न भविष्यति, उसके पहले तो 7 जुलाई है जहाँ सीबीआई का चार्जशीट पर सुनवाई होना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, जंगल राज फिर से आ गई है, क्योंकि जिस तरह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए नीतीश कुमार के सरकार में कुछ नहीं है। तो 17 महीना जब वो थे तब तो चोरी का भी घटना नहीं हुआ होगा, छिनतई का भी घटना नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा घटना, गलती से भी नहीं हुआ होगा। और अभी तो एकदम मैंने राष्ट्रीय जनता दल के कोई विधायक श्राद्ध का भोज खाने नहीं जा रहे हैं, एकदम गलती से भी नहीं। और जनता को तेजस्वी यादव ने सलाह दिया कि आप सरकार के भरोसे अपने नहीं रहिए, अपने भरोसे रहिए, तो सुरक्षाकर्मी लौटा दीजिए, सुरक्षाकर्मी लौटा कहीं देते हैं, तो रहिएगा सुरक्षा के घेरे में, और जनता को सलाह दे रहे हैं। अरे बिहार में कानून का राज है, और कानून का राज है इसका एहसास है लोगों को, और नीतीश कुमार जी हैं, मैं हूं, मैं जब हूं तो कानून का राज है। आरजेडी के एक प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि ये सरकार 8 महीना से 1 साल के अंदर में गिर जाएगी। अब वो मिले होंगे, हो सकता है कि अभी कोई बाबा उबा से मिलने, जी राहुल गांधी जिनसे दिखाए ना, लगता है उन्हीं से दिखवा लिए ही थी, सरकार गिर जाएगी। तो ये तो आपका लार का हल टपक रहा है, लार लार में आ गया है, गंध दुर्गंध है, सत्ता का दुर्गंध फैलने वाला है। अरे नीतीश कुमार जी हैं तो हाड़ में हल्दियों लगाने तो उपाय है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700।